I'll just come in a minute. यहाँ पे भी ब्लाइंड फोल्ड करोगे? I love blindfolds. You like that, huh? Don't you? What's your price, honey? Are you mad? You were not so difficult in your videos. What videos? Come on, how about a private show, just me and you? Just stop it, okay? What's your price, love? How much? Just stop it, leave me alone, okay? Kashvi! 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 Kashvi, listen! काशी क्या हुआ है कुछ बताओगी तुम सब क्या है श्वेता ने मेरे बेडरूम में कैमरा लगाया वो मैं रिकॉर्ड कर रही थी वो मैं रिकॉर्ड कर रही थी निशेर निशेर Order, order. आज की कार्रवाई शुरू की जाए योर ऑनर मेरी क्लाइंट काश्वी शर्मा और इनके बॉयफ्रेंड निशित सिंह के बीच गुजरे प्राइवेट मोमेंट्स को पहले रिकॉर्ड करके और फिर लीक करके मिस श्वेता तलवार द्वारा मेरे क्लाइंट के कैरेक्टर पर धब्बा लगाने की कोशिश की जा रही है इनके विश्वास के साथ खेला जा रहा है काश्वी जी
आप प्लीज कोर्ट को ये बताइए कि आप मिस श्वेता तलवार को कब से जानती हैं? आप सहारनपुर से मुंबई क्यों और कैसे आई? सहारनपुर एक छोटा सा शहर है जहाँ कॉस्ट्यूम डिजाइन करने की अपॉर्चुनिटी शायद मुझे कभी नहीं मिलती। मैं फ्रेंड्स बुक पे हमेशा ऐसी अपॉर्चुनिटीज ढूंढती रहती थी, इसलिए जब मैंने श्वेता का पोस्ट देखा कि उन्हें कॉस्ट्यूम असिस्टेंट की जरूरत है। साफिया, ये देख, मिल गई अपॉर्चुनिटी। अरे यार, तो रिप्लाई करना वेट किसका कर रही है? कर दिया रिप्लाई। बस अभी श्वेता जी ना जल्दी से रिवर्ट बैक कर दे तो लाइफ बन जाएगी। आ गया रिप्लाई। खुल गई किस्मत। उन्होंने अपना नंबर दिया और कॉल करने के लिए कहा है। क्या हुआ? ओह नो, मैंने 11 बज के आज फिर डांट पड़ेगी। बहुत लेट हो गया। बाय बाय। ओफो काश्वी, फिर ले। तुम्हें पता है तुम्हारी माँ को कितना डर लगता है? मजाक कर रही हो? 11 बजने वाला है। उफ़ पापा, मैं तो आपको गुड न्यूज़ सुनाने वाली थी, अब फिर शुरू हो गए। कुछ बोलिए ना आप लोग। आप लोगों ने मौन व्रत क्यों रखा हुआ है? इतनी दूर मुंबई नहीं भेज सकते तुम्हें हम। पापा, पापा मेरी बात सुनिए। माँ, मैंने श्वेता को फोन लगाया। हेलो श्वेता मैडम। ओके ओके श्वेता। हाँ, अब मैम नहीं बोलूंगी, प्रॉमिस। जी जी हाँ, मैं अपनी मुंबई के लिए ट्रेन टिकट बुक करवा लूंगी। हाँ ओके, सी यू सून। ओके बाय। और मैं पहुंच गई मुंबई। वेलकम टू मुंबई काश्वी। कम कम, अंदर आओ। आई विल टेक इट, कम। सो कैसी रही जर्नी? ट्रेन जर्नी तो कंफर्टेबल नहीं रही होगी ना? गेट सम रेस्ट। जर्नी तो अच्छी थी। आपका घर तो बहुत सुंदर है, एकदम फिल्मों की तरह। थैंक यू, बट गेट यूज्ड टू इट, क्योंकि अब कुछ टाइम के लिए घर तुम्हारा भी होने वाला है ना। थैंक यू। वेलकम। आपको पता है, मेरे पापा ना मुझे मुंबई भेजने के लिए मान ही नहीं रहे थे। मुझे घर पे झगड़ा करके भाग के आना पड़ा। That's okay, darling. तुम पेरेंट्स को तो जानती हो, लेकिन एक बार तुम सक्सेसफुल हो गई ना, देखना झट से बदल जाएंगे। वैसे कम, let me show you your room. Like it? Be comfortable. I'll see you soon. Sir, श्वेता ने मुझसे कहा कि जब तक काम पूरी स्पीड नहीं पकड़ लेता तब तक मैं उनके साथ रह सकती थी। मैंने सोचा मेरे सारे सपने सच होने वाले हैं। मैं बहुत खुश थी। नहीं जानती थी श्वेता मेरे साथ ऐसा करेगी, कि वो मुझे देख रही थी, रिकॉर्ड कर रही थी।
माय लॉर्ड, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, मिस काश्वी को डिजाइनर नहीं स्टोरी टेलर होना चाहिए था। पूरे कोर्ट को इमोशनल कर दिया, ब्रिलियंट। मिलॉर्ड, मेरी क्लाइंट मिस श्वेता तलवार की कहानी मिस काश्वी की कहानी से बिल्कुल अलग है। श्वेता जी, आप कोर्ट को बताएंगी कि आपने अपने घर में हिडन कैमरास क्यों लगाए थे? मेरे घर में दो बार चोरी हो चुकी थी, इसलिए सिर्फ काश्वी के कमरे में ही नहीं, घर के हर कमरे में इंक्लूडिंग मेरे हिडन कैमरास लगे। लेकिन मैं उन्हें तभी ऑन करती हूँ जब घर पर कोई नहीं होता। मैंने काश्वी को कभी रिकॉर्ड नहीं किया। हो सकता है शायद किसी दिन मैं घर पे ना हूं, तो काश्वी ने खुद कैमरास ऑन कर लिया। ये अक्सर मेरा कंप्यूटर यूज किया करती थी, इसलिए कमरे का दरवाजा हमेशा खुला रहता था। यस माय लॉर्ड, काश्वी के पास इनके रूम और कंप्यूटर दोनों का एक्सेस था। मेरी क्लाइंट ने इन पर ट्रस्ट किया, पर इन्होंने मेरे क्लाइंट की गैर मौजूदगी में इनका घर यूज किया वीडियो बनाने के लिए। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। अपने काबिल दोस्त से तो खैर क्या कहूं मैं, लेकिन इस केस की मेन अक्यूज मिस श्वेता तलवार को मैं ये याद दिलाना चाहूंगा कि कोर्ट शायद और मे बी जैसे शब्दों की बुनियाद पर नहीं चलता है। प्लीज इस चीज का ध्यान रखिए। केस हारने की बड़ी जल्दी है आपको मिस्टर मनदीप, पेशेंस। ओके, अब मैं केस बनाता हूं और आप सुनते रहिए। श्वेता जी, काश्वी का फर्स्ट इंप्रेशन क्या था आपके नजरिए से? जी, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं उस दिन घर पर ही थी जब काश्वी मुझसे पहली बार मिलने आई। ये लड़की यहां क्या कर रही है? हाय श्वेता, मैंने कहा था ना मुंबई पहुंच जाऊंगी, लो पहुंच गई। बट काश्वी, मैंने तुम्हें इन्फॉर्म कर दिया था कि मैंने दूसरी असिस्टेंट रख ली है। ओह कम ऑन श्वेता, वी आर फ्रेंड्स नाउ। फेसबुक में हमने कितनी सारी बातें की और फोन पे भी। कम ऑन, अब मना मत करो, प्लीज ये जॉब मुझे दे दो और अपने सुंदर से घर में रहने की जगह भी दे दो। कम ऑन, शो मी माय रूम। ट्रेन की जर्नी बहुत लंबी थी, मैं ठीक से सो भी नहीं पाई। अगर मैं सोऊंगी नहीं तो सुंदर कैसे दिखूंगी? कम ऑन। मैंने सोचा अब बेचारी आई ही गई है तो कुछ दिन इसे अपने घर पे रहने देती हूँ, आखिर आई भी तो थी मुझ पे भरोसा करके। ऐसे लग रहा है जैसे मैं हवा में लेटी हूँ। अच्छा चलो, अब मैं आराम करती हूँ। ओके ओके। मैं नहीं जानती थी इसके इस मासूम चेहरे के पीछे एक मास्टरमाइंड दिमाग छुपा है। उस रात उस पार्टी पर पहली मुलाकात में ही निश्चित पर गिर रही थी। उस रात तो मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन काश्वी ये सब
श्वेता, निशित कभी कभी रात को मेरे साथ रुक जाता है। आई होप यू डोंट माइंड। मुंबई के लाइफस्टाइल में इतनी कंफर्टेबल हो गई थी कि शर्म लिहाज तो रहा ही नहीं था इसे। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। ये मेरे क्लाइंट के बारे में इस तरह की बकवास बातें कैसे कर सकती है? क्यों अपनी सांस खर्च कर रहे हैं? सच तो ये है ऑनर कि ये लड़की दूसरों के एक्सपेंस पर मजा करना चाहती है। मेरी क्लाइंट जैसे अच्छी इंसान पर आरोप इसलिए लगाया है क्योंकि इनका वीडियो सामने आया है और ये वीडियो भी इन्होंने बनाया है, पूरे होशो हवास में बनाया है। शी इज कैरेक्टरलेस। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। ये ऐसा कैसे बोल सकते हैं? ऑब्जेक्शन ओवर रूल। जी योर ऑनर, सिर्फ निश्चित को ही नहीं, मैंने तो कई बार कई लड़कों को सुबह इसके कमरे से निकलते देखा है और जब तंग आके मैंने इसे रोका। काशवी, तुम प्लीज अपने लिए दूसरा घर ढूंढ लो। मैं तुम्हारी जितनी मदद कर सकती थी मैंने कर दी, क्योंकि यूं इस तरह अनजान लड़कों का मेरे घर पे आना जाना मेरी रेपुटेशन के लिए ठीक नहीं। डार्लिंग, जैसे चल रहा है ना वैसे ही चलने दो, और लड़के तो आते जाते रहेंगे। ये मेरा घर है और यहाँ पर मेरे रूल्स चलेंगे। तुम अभी इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ। ओके? वरना क्या श्वेता मैडम, मैं सीधा पुलिस के पास जाऊंगी और उन्हें बताऊंगी कि मुझे काम दिलाने का प्रॉमिस देकर तुम मुझसे धंधा करवाती हो। धंधा जानती हो ना क्या होता है? जाओगी पुलिस स्टेशन, ये जो तुम्हारी ये जो सारी रेपुटेशन है ना, इस पर थूकेंगे लोग। तो अगली बार मेरे साथ ऐसी कोई गलती मत करना, वरना आप देख सकते हैं माय लॉर्ड कि किस डर में जी रही थी मिस श्वेता। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये झूठ बोल रही है। अपने क्लाइंट को समझाओ भाई, ये कोर्ट है कोई सब्जी मंडी नहीं है, यहां सिर्फ सच दिखता है। टेल हर नॉट टू स्क्रीम। आशी वो तो चुप हो जाएगी। पहले आप ये समझाइए कि आपके क्लाइंट का किसी ने हाथ पकड़ रखा था क्या? वो जाकर पहले ही कंप्लेंट नहीं कर सकती थी ब्लैकमेलिंग की? अब तक ये बात छुपा के क्यों रखी थी कोर्ट से? देखिए, मैं एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर, बहुत मेहनत की है मैंने यहां तक पहुंचने के। मैं डर गई थी कि कहीं इसने अफवाह फैला दी तो मेरी सालों की मेहनत बेकार हो जाएगी, और अगर कोई भी मेरी जगह होता तो क्या करता? All your honor. लेकिन श्वेता जी, काशवी का कहना कुछ और है। काशवी जी, जब आपको as promised काम नहीं मिला तो फिर आपने क्या किया? श्वेता ने कहा था कि उसका काम शुरू होने में थोड़ा वक्त जाएगा, तो मैंने सोचा कि तब तक मैं कोई पार्ट टाइम जॉब कर लूंगी। मैं इनके साथ रहती जरूर थी, लेकिन किसी का फायदा उठाने वालों में से मैं नहीं हूँ। काशवी, कम 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 से इट। श्वेता, मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती, अब मुझे कुछ काम दिला दीजिए, कोई भी काम चलेगा। डार्लिंग, डोंट बी सिली, और ये रोना बंद करो, बहुत ही जल्दी काम भी शुरू हो जाएगा, सो एवरीथिंग विल बी फाइन। ओके, आओ बैठो, कम इट। Point to be noted, my lord. मेरी क्लाइंट को काम की सख्त जरूरत थी, ऐसे में वो भला श्वेता जी को क्यों धमकाएगी जिनसे उन्हें काम मिलने की कुछ उम्मीद है?
हम अच्छी तरह से देख सकते हैं कि वो बेचारी कितनी मुश्किलों से गुजरी है। वो तो इनफैक्ट वापस सहारनपुर जाने का प्लान बना रही थी, लेकिन ऐसे में उन्हें निशित सिंह ने रोका और कहा कि वो इनकी मदद करेगा। लेकिन इससे पहले कि कुछ हो पाता, ये वीडियो वाला किस्सा हो गया। और उसके बाद मजबूरन इन्हें मुंबई में रुकना पड़ा अपना नाम, अपनी रेपुटेशन को क्लियर करने के लिए। माय लॉर्ड, मेरे काबिल दोस्त कोर्ट के जज्बातों के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं। सच ये है कि जब इनके क्लाइंट का सपना पूरा नहीं हुआ तो इन्होंने क्विक मनी के लिए ढोंग रचा और अपने बॉयफ्रेंड निशित के साथ मिलकर सेक्स टेप बनाया और उसे बेचा। As I said earlier, she is characterless. सबूत इकट्ठा करने के लिए डिफेंस को एक हफ्ते की मोहलत दी जाती है। अगली सुनवाई सोमवार 11:30 पर होगी। Court is adjourned for the day. काशवी, सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। सॉरी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। इट्स ओके। अच्छा निशित, कल कोर्ट में डिफेंस लॉयर तुम्हें फंसाने की बहुत कोशिश करेगा, उसके सवालों से घबराना मत, डट के जवाब देना। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। गुड। काशवी, जैसा मैंने कहा है, अभी तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। आओ अंदर ऑफिस में, आओ तुम्हें से कुछ बात करें। काशवी, आप निशित से कैसे मिली? श्वेता के घर पर, उसके घर पर एक पार्टी थी। उस रात श्वेता ने जानबूझ के मुझे एक बहुत छोटी ड्रेस पहनने के लिए कहा, मैं मना नहीं कर पाई। हाय। हाय। I'm Nishit. काशवी। What's up? वैसे आप किचन में क्या कर रही हो? Not enjoying the party? आप actually किसी को जानती नहीं हो ना, इसलिए। Oh, okay. But आप तो जानती हो। हाँ? आप तो जानती हो मुझे। चलो तुम्हें सबसे मिला था। वो। अरे come on यार। Come on, come on, come on. Guys, 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 listen, 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 listen. Listen up, guys. Meet Kashi Sharma. Hi, Kashi. Hi. Hi. Okay, now let's enjoy the party. Hit the music. You know, this is my favorite restaurant. I quite like it. Thank you. Hey, wait. I have something for you. For me? Yes. Kya hai? Open it. You know what? This is my favorite book. Meri bhi. In fact, main aajkal yahi padh rahi hu. Really? I don't believe this. Dekha, ek hi din mein hum dono ki choices kitni milti hain. I think you are my soulmate.
मेरी सारी पसंद नापसंद से अच्छी तरह से वाकिफ था निशित, और फिर एक दिन हमारी रिलेशनशिप दोस्ती से आगे बढ़ गई। जानते थे कि श्वेता हमारे प्राइवेट मूवमेंट्स रिकॉर्ड कर रही है। Your Honor, अब मैं काश्वी के बॉयफ्रेंड मिस्टर निशित को डॉक में बुलाना चाहूंगा। इजाजत है। थैंक यू। तो निशित, आप काश्वी के साथ अपने रिलेशनशिप पर रोशनी डालिए। फॉर इंस्टेंस, किन हालातों में आप मिले? काशवी से मैं श्वेता के घर पे मिला था, पार्टी में। मैं किचन में गया था बियर लेने के लिए। आई ओके? तुम जैसे पार्ट लड़के ने पकड़ कर रखा, इससे ज्यादा ओके क्या हो सकता है? वैसे से और ज्यादा हैंडसम लगते हो। सच कहूं तो मुझे भी बहुत बहुत अजीब लगा कि बिना जान पहचान के इसने मुझे किस कर लिया। ये बिल्कुल बेबुनियाद बात कर रहे हैं। कल तक तो ये कुछ और बोल रहे थे, आज अलग राग अलाप रहे हैं। मिलॉर्ड, मेरे काबिल दोस्त शायद भूल रहे हैं कि मिस्टर निशित को भी अपनी कहानी सुनाने का पूरा हक है। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। थैंक यू योर ऑनर। हां तो मिस्टर निशित, बस फिर उसके बाद ये हर रोज मुझसे मिलने लगी, हमेशा मैसेजेस करना, कॉल्स करना, और फिर धीरे धीरे नेचुरली हम इंटीमेट होने लगे। जैसा एक एस्पायरिंग एक्टर के लिए, एक स्ट्रगलिंग एक्टर के लिए, उसके करियर के लिए ये वीडियो तबाही ला सकता है। आप बताइए, कौन काम देगा मुझे? मेरे साथ कौन काम करेगा? और ये जो लड़की आप देख रहे हैं ना, आप इसकी ये मासूम सी शक्ल और भोलेपन पर मत जाइए। बहुत ही चालाक और शातिर लड़की है ये। ये वीडियो भी इसने खुद बनाया होगा, आई एम श्योर। जज साहब, ये विक्टिम नहीं है, विक्टिम मैं हूं, आई एम द विक्टिम। निशित, ये क्या बोल रहे हो तुम? ये बिल्कुल सच कह रहे हैं मिलॉर्ड, इस लड़की ने ये सब किया होगा, वो भी जानबूझकर। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मेरे काबिल दोस्त को मुझे ये याद दिलाने की जरूरत नहीं है
कि सिर्फ निशित के बयान से इस केस में कुछ साबित होने वाला नहीं है। इस मुकदमे की अगली सुनवाई 4 दिन बाद शुक्रवार 10:30 पर होगी। कोर्ट इज एडजर्न फॉर द डे। थैंक यू सो मच मनीष, तुम्हारे इस एहसान का बदला मैं तुमसे चेस की अगली बाजी हार के चुका दूंगा। थैंक यू यार। लो भाई काशी, आपके होटल रूम का इंतजाम हो गया। थैंक यू सो मच। तुम्हें थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है, और इतना डरो भी मत। देखो, जो सबूत हमने अब इकट्ठा किए हैं वो इस केस को पूरी तरह से पलट कर रख देंगे। सर, मेरी अभी जाके समझ आया कि निशित और श्वेता साथ में मिलके काम कर रहे थे, और इसीलिए वो मेरे बारे में सब जानता था। मैं क्या पढ़ती हूँ, मैं क्या देखती हूँ, मेरा फेवरेट कलर, सब कुछ पता था उसे। और मैं उसके मैनिपुलेशन को प्यार समझ रही थी। मैंने बहुत बड़ी गलती की है। देखो, जो हो गया सो हो गया, लेकिन मैंने कहा ना, आप घबराओ मत, हमारे पास जो सबूत है उससे केस खुद ब खुद सुलझ जाएगा। कहने को तो आप एक स्ट्रगलिंग एक्टर हैं, थोड़ी बहुत मॉडलिंग भी करते हैं, लेकिन सुना है कि आपका रहन सहन, आपका लाइफस्टाइल बड़ा लैविश है। मिसाल के तौर पर आपका वो घर सुनने में आता है बड़ा शानदार है, ये सब कहाँ से आया? जी हाँ, वो मेरी फैमिली का घर है। रियली? जी। सोच लीजिए, क्योंकि जिस घर को आप अपना क्लेम कर रहे हैं, मेरे पास में पुख्ता सबूत है कि वो घर आपके नाम नहीं, मिस श्वेता तलवार के नाम पर है। कहिए मैं सच बोल रहा हूं या झूठ? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। डिफेंस लॉयर साहब, प्लीज 2 मिनट के लिए चुप रहिए और मुझे मेरा काम करने दीजिए। योर ऑनर, मैं अच्छी तरह से जानता था कि ये बात कोर्ट में रखने से पहले मुझे पुख्ता सबूत की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने साइबर क्राइम डिवीजन में काम करने वाले अपने कलीग से मदद मांगी, और मिस श्वेता तलवार का वो कंप्यूटर जो कोर्ट में एविडेंस के तौर पर जब्त था उसे एनालाइज करवाया। अजीब बात है, डाटा के मुताबिक ये वीडियो रिकॉर्ड होकर श्वेता के घर के आईपी एड्रेस से होकर एक होस्ट कंप्यूटर के एड्रेस पर भी जाता है। सिर्फ ये नहीं, 3 और जगहों से फिट जाती है इस आईपी एड्रेस पर। ये देखिए, ये 3 फीट रिकॉर्ड हो रहे हैं, लेकिन इंटरनेट पर डायरेक्टली अपलोड नहीं की जा रही। ये रहा एड्रेस, वीडियो यहां पे जाते हैं, और साथ में ये भी लीजिए, 3 घरों का एड्रेस जहां पे वीडियो रिकॉर्ड होते हैं। एड्रेस मिलने के बाद हमने विक्टिम्स को ट्रेस किया। एंड दैट्स नॉट ऑल माय लॉर्ड, जब हमने उन लड़कियों को ट्रेस किया तो इस केस से जुड़ा हुआ एक बहुत ही अहम क्लू और मिला हमें, एक विटनेस। अपर्णा गिल, आप यहां कोर्ट रूम में मौजूद किसी इंसान को पहचानती हैं? जी सर। किसे? मिस्टर रोहित शर्मा। यानी कि निशित सिंह। आप इन्हें कैसे जानती हैं? जी, ये मेरे बॉयफ्रेंड हैं, और श्वेता मैम मेरी बॉस। अच्छा, आप प्लीज कोर्ट को ये बताएंगी कि आपका और आपके बॉयफ्रेंड रोहित उर्फ निशित का संबंध आपस में कैसा था? प्लीज एलैबोरेट ऑन दैट।
जी सर, पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति से मिली थी जिसे मेरे टेस्ट और मेरे प्रेफरेंस मुझसे भी ज्यादा अच्छे तरह से पता थे। पहले जब आप लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया तो मैं मानने को तैयार ही नहीं थी, पर जब मैंने वो हिडन कैमरास देखे तो मुझे सब समझ में आ गया कि क्यों इसने मुझे अपने खाली फ्लैट में रहने दिया। थैंक यू अपर्णा, आप जा सकते हैं। योर ऑनर, होस्ट आईपी का एड्रेस हमें सीधा निशित सिंह के घर की ओर पॉइंट आउट कर रहा था। अब ऐसे में मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज थी श्वेता और निशित दोनों के ऊपर विजिलेंस रखना, और यह पॉसिबल हो पाया इंस्पेक्टर गोविंदर की मदद से। श्वेता मैडम कौन सी फ्लोर पर गई? आप कौन? पुलिस इंस्पेक्टर गोविंदर। सर वो तो अपने ही घर गई, फ्लैट नंबर 604 में। 604? I don't understand. Baby, don't worry. हम उस काशवी की ऐसी छुट्टी करेंगे तुम देख। वैसे भी हमें और लड़कियां भी ढूंढनी है ना अपने काम के लिए। Exactly. I'll see you soon. Yeah, yeah. Drive carefully. Yep. ये दोनों शातिर क्रिमिनल्स दुनिया के सामने चाहे कितना भी नाटक कर ले, योर ऑनर, सच आखिर सामने आ ही जाता है। और जब बात सच ही की हो रही है तो मेरे पास इस कोर्ट रूम में दिखाने के लिए एक और सच भी है। जो आप पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल सच है योर ऑनर। मिस श्वेता तलवार और रोहित शर्मा उर्फ निशित सिंह आपस में पति पत्नी हैं। इंस्पेक्टर गोविंदर ने तहकीकात के दौरान इन दोनों का मैरिज सर्टिफिकेट भी ढूंढ निकाला। क्यों श्वेता जी, ये चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? अपनी गलती का एहसास हो रहा है या जेल जाने का डर सता रहा है? कितना घिनौना काम किया, ये सीरीज इंटरनेशनल मार्केट में बेच के बहुत नोट बनाया आपने, लेकिन अब जेल जाने की बारी है। आपका डिजाइनिंग का करियर तो आप खत्म। अब जरा कोर्ट को ये बताने की जहमत भी कीजिए कि आपने ये सब क्यों किया। रोहित और मैंने आग की शादी की थी, हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, मुंबई आए तो सर छुपाने के लिए छत भी नहीं थी, और इसी गरीबी की वजह से हमने ये सब शुरू कर दिया। हमने सोचा इस शहर में हर किसी को काम चाहिए, नाम चाहिए, तो इसी बात का फायदा उठाकर हमने सारी लड़कियों को लालच दिया। हमने नहीं सोचा था वो फॉरनर काश्मी को सब कुछ दिखा देगा। हम बाकी सारी लड़कियों को भी इसी तरह बसाते थे जिस तरह आपने काश्मी को बसाया।
सफिया ये देख मिल गई अपॉर्चुनिटी। कम कम अंदर आओ। गाइस 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 लिसन 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 मीट काशी शर्मा। You know what? This is my favorite book. In fact, मैं आजकल यही पढ़ रही हूँ। CDs को हम international market में बेचते थे, एक middleman की मदद से, क्योंकि live streaming में पकड़े जाने का ज़्यादा chance होता है। हमसे गलती हो गई। I'm sorry, काशवी। अदालत में पेश किए गए सबूतों के तहत अपराधी निशित उर्फ रोहित और मुजरिम श्वेता को काशवी के प्राइवेट मोमेंट्स संदिग्ध तरह से इस्तेमाल करने के लिए और उन्हीं पलों की वीडियो क्लिप बनाकर बेचने के लिए आईपीसी की सेक्शन 67A और सेक्शन 499 के तहत 7 साल की सजा सुनाई गई। काशवी के नाम और सम्मान पर लगे सारे काले दाग झूठे साबित हुए और उन्होंने वापस सहारनपुर जाकर अपने माता पिता के साथ अतीत के हालात को भुलाकर एक नई और खुशहाल जिंदगी शुरू की। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।